इसमें जो है, अब पहले वो जो गाना है, जो हिंदी गाना है, प्यार का गाना है, लव स्टोरी के ऊपर लिखा हुआ गाना है, तो पहले हम आप सभी को वो गाना सुनाना चाहते हैं। पहले गाना सुन लीजिए, उसके बाद बोलते हैं जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह, सत श्री अकाल, नमो बधाए, जीवन निवास साथी, असलाम वालेकुम साथी भाई, सुमान अवदानी शेयर पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, बड़ी खुशी की बात है। राजा खान जी हमारे दोस्त भी हैं और दोस्त होने के साथ साथ में एक अच्छे इंसान भी हैं। अच्छे दोस्त तो कोई बन जाता है, लेकिन अच्छा इंसान दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने एक हमें खबर भेजी है, एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है आकाशवाणी मुंबई केंद्र। इसका पहला गाना स्टारडम, जो एक खबर हमारे सामने आई है, उसको हम खबर को हूबहू पढ़कर सुना देते हैं, ताकि किसी को ऐसा न लगे कि हमने किसी के खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, ताकि सबको ऐसा लगे। तो एक गाना है, पहले हम आप सभी को वो गाना सुनाना चाहते हैं। पहले गाना सुन लीजिए, उसके बाद बोलते हैं जी। सोने लगा तेरी ये शरारतें मुझे शायरी आ रही है, तेरी नजरों ने मुझे गायल कर दिया है। मेरी खामोशी तेरे प्यार की वजह दिल में तार बजने लगे। देखना चाहता हूँ, बस तेरा साथ में चलना चाहता हूँ, जो दिल में बसे तेरा प्यार को आंखों के सामने पा रहा हूँ। जैसे आसमां सितारे गिरने लगे, जैसे चांद मुस्कुराते रोशनी बिछाए, जैसे इश्क की गलियों में खो गए, हमारे आशिक एक गजब दीवाने बन गए। साथियों, आप सभी ने देखा गाना, प्यार है, प्यार से दुनिया चलती है, प्यार से ही तो दुनिया है, और प्यारी तो प्यारी धर्म है। अगर प्यार नहीं है तो काई का धर्म है? तो नफरत जो है जहाँ पर है वहाँ धर्म नहीं होता। तो हम इसकी खबर सुना देते हैं हूबहू पढ़ करके। फिल्म आकाशवाणी मुंबई केंद्र का पहला गाना रिलीज हुआ। दोस्तों, आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, पूरी फिल्म आकाशवाणी मुंबई केंद्र मिथुना इंटरनेटमेंटस प्राइवेट लिमिटेड और साइंस स्टूडियो प्रोडक्शन के बैनर तले बनी रही है, यानी कि इन जो नाम लिए हैं इनके बैनर के नीचे बन रही है, जिसमें अहम भूमिका निभाई है शिव कुमार हुमाई चंद, अध्यक्षता श्रीघर अर्चना। ये लोग इस फिल्म में मेन लीड कर रहे हैं, यानी कि हीरो हीरोइन इस फिल्म में जबरदस्त फेम सतीश बतूला। डायरेक्टर माता इस फिल्म के
ये एक लव स्टोरी मूवी है, तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम यानी कि जो फिल्म बनी है इन लैंग्वेज में बनी है, तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम इनमें जाने वाली है, इनमें बन रही है शादी है, हिंदी कई भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म यूनिट ने शुक्रवार को म्यूजिक डायरेक्टर कार्तिक कोंडा कंडला द्वारा फिल्म का पहला गाना रिलीज किया जा रहा है। इस मौके पर मौजूद रहे निर्माता एम अर्जुन ने कहा, सतीश ने जैसे ही कहानी सुनाई मुझे बड़ी पसंद आई, सुनकर मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा। लव स्टोरी जब मैं सुन रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि पर्दा मेरे सामने है, यानी कि जब सुनते हैं सूर्य कहानी को तो फिर वो हूबहू आँख में चलता रहता है, उसके हिसाब किताब जो भी है सामने है और मेरे सारे सीन उसमें मेरे सामने पीले हो रहे हैं। मुझे एक अंदर से अलग एहसास हो रहा था, मैं अपनी फीलिंग आपको अल्फाजों में नहीं बता सकता कि मैंने क्या महसूस किया। मुझे लगता है कि ये मेरी फिल्म भारत के सिनेमा हॉल में धमाल मचाएगी, यानी कि हम भी चाहते हैं कि कोई प्यार वाली फिल्म हो, कोई ऐसी फिल्म हो जो धमाल मचाए, क्योंकि गंद बहुत सारा फैला हुआ, नंगे बहुत सारा फैला हुआ है, तो हम इसको इस करके प्रमोट कर रहे हैं फिल्म को, ताकि एक लव स्टोरी भी दिखाए, गाना भी दिखा, हमने आप सभी को उसमें गाने में कोई ऐसी गलत बात नहीं बताई, हम गलत को प्रमोट नहीं करते हैं। इस पे मैंने अच्छी फिल्म बनाने में निर्माता के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया है, यानी कि निर्माता जो है वो निभाया है। इस फिल्म के हीरो हीरोइन ने अच्छी भूमिका निभाई, उनका अभिनय काबिल तारीफ़ है। इन लोगों की ज़िंदगी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये फिल्म कई भाषाओं में बन रही है, जैसे कि तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम आदि हिंदी आदि भाषाओं में बन रही है। एक पेन इंडिया फिल्म के रूप में रिलीज होगी। हम अभी अब पहला गाना रिलीज कर रहे हैं, जो आपने सुना गाना ये पहले रिलीज हो चुका है, वो कर रहे हैं इसको हम रिलीज कर रहे हैं। हम जल्द ही फिल्म कब रिलीज होगी इसकी तारीख हम आपको जल्दी बताएंगे। इस मौके पर मौजूद रहे डायरेक्टर सतीश बतूला जी ने कहा, फिल्म आकाशवाणी बॉम्बे केंद्र एक अलग लव इंटरनेट है। निर्माता एम अर्जुन जी के सहयोग के बिना यह काम मुमकिन नहीं था। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने फिल्म यूनिट का काफ़ी ध्यान रखा और आज हम लोग इस फिल्म को बनाने में कामयाब हुए। अब इंतज़ार है फिल्म कब रिलीज होगी। मुझे उम्मीद है हमारे फिल्म प्रोड्यूसर साहब बहुत जल्दी रिलीज की तारीख की घोषणा करेंगे। हमारे यूनिट के सभी मेंबर ने बड़े दिल से दिल लगाकर काम किया, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, यानी कि निर्माता द्वारा लिखा गया है। तो ये मतलब हम भी चाहते हैं कि अगर ये हमारे जो स्टोरी हमारे जो वीडियो उन तक जाएगी तो हम इनके जो फिल्म के कलाकार लोग हैं जो मेन हैं, मेन जिन्होंने लीड में काम किया है, उन सभी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, और जो है मेन जो है हमारे जो साथी हैं इसमें जो मेन आदमी हैं उनको सभी को वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर सम्मान भी दिया जाएगा और उनको सर्टिफिकेट भी देंगे अगर उन्होंने अच्छा काम किया होगा। तो ये फिल्म के लिए हम सभी जो टीम मेंबर हैं इनके सभी को बधाई देते हैं, और ख़ासकर हम हमारे भाई राजा खान जी को स्पेशल धन्यवाद भी देते हैं, उन्होंने हमें स्टोरी भेजी है, मतलब ये खबर भेजी थी। तो हम जो है हम अपनी तरफ से वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से उनको बधाई देते हैं, और अमेरिका से बैठ कर हम इसको सपोर्ट करते हैं, और आने वाले वक्त में करीब अच्छे काम करेंगे, तो हमारा सपोर्ट हमेशा जारी रहेगा। और इनका हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं सभी पूरी टीम का, उम्मीद भी करते हैं हम जरूर इनका हमें ये जरूर इंटरव्यू देंगे और बहुत जल्दी देंगे। थैंक यू सबका, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु का, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, थैंक यू।